हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मिसा टेक मीडियर्स। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं, मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। फर्स्ट टाइम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे और ये हैरानी की बात है, हम लोगों ने इसको एक बार भी डिस्कस नहीं किया है। जबकि मैंने चेक कर लिया है, मेरे को लग रहा है कि हम लोगों ने कंपनी को डिस्कस किया है जब इसका IPO आया था, पर अभी इसका डाटा मिल नहीं रहा था मेरे को। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अभी इसका शुरू से ही एक तरीके से पूरा रिकवर करेंगे, क्योंकि इसको काफी एनालिसिस किए हुए काफी टाइम हो रखा है। तो इसकी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या करती है कंपनी और कैसा इसका बिजनेस है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में चार्ट पे भी बात करेंगे कि कहाँ पे बाय की कॉल बन रही है और कहाँ पे आपको टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। जो चैनल पे नए हो चाहे सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आप यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके काफी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए हम लोग ट्रेडर्स डायरेक्ट कंपनी के बारे में समझते हैं। तो अभी देखिए 237.10 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रही है। आप लोगों में से ही किसी का कमेंट था कि सर इस कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि अब कैसा इसका कंपनी का है। सबसे पहले कंपनी को मैं थोड़ा सा आपका इसका बायोडाटा जो है एक तरीके से उसको समझते हैं। तो ये करती क्या है, पहले देखिए जो कंपनी है वो इसका डाटा यहाँ पे मैंने रीड किया था, ठीक है। तो पहले ये प्राइवेट से शुरू हुई थी 1934 तक, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट ने 1960 में इसको अपने एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया और अब इसकी जो होल्डिंग्स है गवर्नमेंट के पास वो 83.83% है जो अपनी गवर्नमेंट के पास है। तो एक तरीके से कह लीजिए पूरा मतलब अब गवर्नमेंट के ही आश्रित पे है ये कंपनी। फाउंड की गई थी 1934 में, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा पुरानी कंपनी है, पर अच्छा खासा बिजनेस है। अभी हाल फिलहाल में इसका IPO आया है, बताइए इतनी टाइम से कंपनी अब IPO जाके ले आई है। चले कोई नहीं, देर सही दुरुस्त आई है। तो अच्छा खासा इसका IPO का एंट्री हुआ था, अच्छा सब कुछ ठीक ठाक था, इतना नहीं चला था फिर भी ठीक ठाक चल गया था पहले दिन के हिसाब से। उसके बाद शेयर ने तब से काफी अच्छा रैली भी दिखाया। फिलहाल अभी कैसी कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी करती क्या है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो देखिए इंगेज करती है बिल्डिंग रिपेयरिंग ऑफ शिप सबमरीन और बहुत सारे ऐसे वेसल्स जो सी पे जो कह लीजिए एक तरीके से रिवर या सी पे जिनका यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेवल के लिए और भी बहुत सारे। तो उस तरीके का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है इनका, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही क्लाइंट है इनके। तो इस तरीके से कह लीजिए अब इतनी पुरानी कंपनी है तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट तो होंगे। तो इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है करंटली कैसा है। अर्निंग पर शेयर देखिए आप, जो बेसिक वाला है मतलब अब से 12 मत पीछे का, वो 29.8 आ जाता है, अच्छा खासा। मार्केट कैपिटल ठीक ठाक है इसकी, 47.992 बिलियन की है। डिविडेंड यील्ड जो अभी हाल फिलहाल में प्रोवाइड किया था 3.12%। प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाता है इसका 8। देखिए प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग ट्रक कंस्ट्रक्शन फार्मर मशीनरी भी तक मेंशन कर रखा है लोगों ने। तो इस तरीके का बिजनेस ना, अभी टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं। चलिए ये भी अच्छी बात आ जाती है कि हम लोगों को खुद फाइंड करना पड़ेगा, तो एक अच्छा चीज आ जाता है। बाकी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अभी अगस्त 12 को इसके नंबर भी आए थे लेटेस्ट वाले, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चलिए शुरू कर लेते हैं, फटाफट समझते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स मार्केट कैपिटल इंडियन रुपीस में आ जाती है 4,784 करोड़ की। बुक वैल्यू है इसकी 170 रुपीस, तो बुक वैल्यू से अब ट्रेड कर रहा है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक अच्छा खासा प्राइस आ जाता है। पिछले 12 महीने का अगर डाटा चेक करें ट्रेडर्स, तो प्रॉफिट जो है 27% सेल भी अच्छी खासी रही है। इस बार का जो मार्च से जो जून के नंबर आए हैं ट्रेडर्स, उसमें थोड़ी गिरावट है। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है ही जो गवर्नमेंट के हाथ में है। 296 इसका ऑल टाइम हाई प्राइस गया है, फेस वैल्यू 10 है, तो अभी तक एक बार भी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 2.64%। ROE जो है अभी अच्छा है, कह लीजिए एक तरीके से 18.7 का। ROCE भी ठीक ठाक चल रहा है 22.7% का। डिविडेंड ईयर 2.28 लास्ट टाइम प्रोवाइड किया था।
अब कंपनी के ब्रोकॉन्स पे बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगले जो क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं वो बताए जा रहे हैं कि उसकी उम्मीद है अच्छे नंबर आएंगे। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मैनेज करके रखी है 30.91% का, तो एक अच्छा नंबर आ जाता है। बाकी इसके 5 ईयर की सेल ग्रोथ की बात करें तो ये इतनी बेहतर नहीं रही है। लाइबिलिटीज के नंबर 44,948 से अब के आ जाते हैं थोड़े बहुत, अदर इनकम इंक्लूड करता है 515 करोड़ की। अब देखिए जो 5 ईयर कॉन्स वाला है, अब देखिए सेल पिछले 12 महीने की बेहतर हुई है, तो इस हिसाब से कंडीशन है। पीर कंपैरिजन में मार्केट कैपिटल के साथ सबसे टॉप पे कंपनी आ जाती है और सारी चीजों में लगभग ये हर कंपनियों से बेहतर है। बस वाई एंड वाई प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे आप तो यहाँ पे 2-3 कंपनियां जो है इससे भी बेहतर अच्छा किया है कंपनियों ने। पर सेल ग्रोथ की बात करें, वाई एंड वाई सेल ग्रोथ की बात करें, आरओसीई की बात करें, सब बेहतर आ जाता है। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करते हैं ट्रेस, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर का डाटा, पिछले क्वार्टर का डाटा और इस क्वार्टर का डाटा जो अभी आया है। तो लास्ट क्वार्टर में लॉकडाउन था और चीजों की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वहां पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा हर टाइम से इसकी गिरावट बहुत भयंकर थी। उसके बाद से पर सितंबर से कंपनी के नंबर वापस से बेहतर हो गए हैं और 70 करोड़ का ऑपरेटिंग से प्रॉफिट हुआ इस बार, लास्ट क्वार्टर से बेहतर और लास्ट ईयर से बहुत गजब बेहतर। और इसी तरीके से पर लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट बेहतर था और इस बार का जून का जो है 102 करोड़ का है, पर लास्ट ईयर से देखेंगे तो क्लियरली बहुत बेहतरीन नंबर है। कंपनी का कहा जाए ट्रेड्स तो अच्छा परफॉर्म किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी कंडीशन चल रही है। प्रॉफिट लॉस बुक पे नजर डाले ट्रेड्स तो मार्च 2016 से करंट तक का डाटा हिसाब है यहां पे, और आप देख सकते हैं कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 500 और इस बार जो अभी 12 महीने का चल रहा है वहां पे 600 अराउंड इसका डाटा आ रहा है। कंपनी अच्छा खासा कह लीजिए एक तरीके से प्रॉफिट बना रही है। आप ऊपर देख सकते हैं कितना बेहतर है, टैक्स देने से पहले के डाटा, टैक्स देने के बाद भी अच्छे नंबर आते हैं, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। बोरोइंग्स कंपनी की 0 है तो ये बहुत बेहतरीन है, अच्छा खासा चल रहा है। कैश फ्लो भी बेहतर है, रेशियोज भी ठीक ठाक है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। होल्डिंग्स की बात करें ट्रेस तो पहले 100 पूरी गवर्नमेंट के पास ही थी, अब उसके बाद ये आया है होल्डिंग का डाटा, तो जून के जो डाटा है उसमें 84.83 प्रोमोटर्स के पास है, उसके पास 0.67 आ जाता है, FIs के पास 0.47 आ जाता है, DIs के पास, पब्लिक के पास 14.04 है, तो ठीक ठाक होल्डिंग से कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हाँ, इनको थोड़ा और कम करना चाहिए प्रोमोटर्स को, जिससे FIs DIs के पास भी होल्डिंग अच्छी खासी आई। कम क्या करना चाहिए, FIs DIs को भी इन्वेस्टमेंट इसमें अपनी बढ़ानी चाहिए, तो इस हिसाब से अभी कंडीशन है। अब चार्ट पे बात करते हैं कहां पे एंट्री। ऑलरेडी देखिए सपोर्ट 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है शेयर ट्रेडर्स, तो अगर आपको ये 226 के अराउंड आपको मिलता है तो आप इसमें एंट्री के लिए जा सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि इसमें अभी बिल्कुल एक तरीके से रेजिस्टेंस अच्छा, मतलब सपोर्ट अच्छा जनरेट नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा इसमें वेट करना चाहिए। अगर ये 225 रुपीस तक आता है तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और वो भी आप डिप के साथ ले सकते हैं। अब टारगेट की बात करें तो पहले इसको जो ये लेवल है 242 इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करती है तब हम जाके 255 रुपीस तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। फिलहाल ये नजर आ रहा है और कंडीशन अच्छी रही नेक्स्ट क्वार्टर तक, तो ये जो टारगेट है ये आपको और अब तक का मिल सकता है। फिलहाल इसमें आपको 280 तक के टारगेट नजर आते हैं नेक्स्ट नंबर तक, तो देखते हैं अब कैसा परफॉर्म करता है शेयर, इस हिसाब से अभी फिलहाल कंडीशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक साथ नेक्स्ट वीडियो में।